मसीह यीशु में सबको मेरा सलाम। मैं रवायती बातें करने का ना आदि नहीं हूँ, तो सबको पता होता है, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड। पहले तो ये देखें कि आप सब लोग होश में है ना, नींद तो नहीं आ रही सबको। मैं कोई रवायती बात नहीं करूँगा जो आपको झूठी लगे, सच लगेगा, कड़वा होगा, सुनना जरूर। हमारे साथ जुल्म हो गया, इतना सा बच्चा था जब मैं, इतना लंबा हो गया, अभी भी जुल्म ही हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई? दिल, दिमाग, एजुकेशन, बॉडी, फिटनेस, सब कुछ तो मुझे रब का मिल चुका है, करेज नहीं मिली, जुरत। डरता 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 कब्र आ गई। ऐसा ही है ना, मौत तो बुजदिल को भी आनी है और बहादुर को भी आती है। तो जो जान देने तक वफादार रहेगा, जिंदगी का ताज उसे मिलना है। भाई साहब मैं ठीक कह रहा? मरना किसने है? दोनों ने। अभी रिसेंटली आप जड़ावाला में देख ले, हमारे सारे पादरी बिशप भाग गए, कड़ी इधर बैठे हैं। माजरा जरा बुरा नहीं मनाना, मैंने पहले कहा था आपको, जरा सच होगा, जरा जाग जाएंगे साथ से हैं। ये जो नींद के खराटे आ रहे हैं ना, खत्म हो जाएंगे। सारे भाग गए, एक भी जान देने तक वफादार साबित किया किसी ने? किया कोई है इधर सबूत देने वाला? का वो बिशप पादरी सब नहीं, किसी का नाम जिनको हमने जाना, जो आपको बिशप हाउस में घुसने नहीं देते, खुद अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। ऐसा ही हुआ ना, तो अच्छा चरवाहा नहीं है वो। मैं बाइबल के रूप से कह रहा हूं कि आप लोगों ने हमें चेक करना है, इन पादरी साहब को, सियासतदानों को, समाजी बंदों को, हमें, आपने। हमसे बहुत से काबिल लोग नीचे रह गए हैं। हर बंदे को गॉड ने सलाहियत दी है, कुछ हम में नीचे बैठे वाले में हमसे भी ज्यादा हो सकते हैं। किसी दिन आप इधर होंगे, किसी दिन आप इधर होंगे। तो कहने की बात यह है, मुझे यकीन करें, आज जो चर्च हुआ है ना, मैं गारंटी से कहता हूं, मैं वो बंदा हूं जिसको चर्च में नींद आ जाती है साफ साफ। मैं कहता हूं वो पादरी, वो फादर बिशप, ऐसा लेक्चर जे मैं चार चार घंटे खड़ा रहूं। कभी था वो रेवरेंड ब्यूलर मैसेज, जो मुझे ऐसा लेक्चर देता था, मैं सारी सारी रात जागता। प्रैक्टिकल उनके साथ किया मैंने, और प्रचार से कभी पेट नहीं भरता। मुझसे अच्छी बातें आप कर लेते, मुझसे अच्छे एजुकेशनल प्रोफेशनल आप नीचे भी बैठे, लेकिन आपको यहां से यहां और मुझे वहां से वहां एक ही चीज पहुंचा सकती है, प्रैक्टिकल। जो अच्छा काम कम्युनिटी के लिए करेगा, हमारे गरीब लोगों के लिए करेगा, डेफिनेटली जिंदगी का ताज उसे मिलने। तो कहने का मेरा ये मतलब है, जरूरी नहीं अपनी कौम का एहसास करने वाला बंदा बिशप, फादर, पादरी, म्यूजिशियन आप भी हो सकते हैं। एक बंदा मूसा बनी इसराइल में एक ही बंदा था, किसी कौम में, किसी घर में, किसी कम्युनिटी में, पूरे फ्रांसिसाबाद में सब नहीं सबको बचा सकते, एक ही बंदा। पास्टर शमौन शौकत ने स्टेप लिया, ये रो रहे थे किसी वक्त अपनी कौम के लिए। सब के सब इनके साथ चले, सब चल पड़े, तो फिर तो मसले खत्म हो जाए, स्टेज खत्म हो जाए। लेकिन नैया एक ही बंदा मल्ला पार कराता, बाकी तो मुसाफिर बैठे होते। तो कहने का मतलब है, अगर आप किसी अच्छे बंदे का प्रैक्टिकल देखें, वो आपके राउंड बोलेगा, अगर आप उसके साथ नहीं है तो आप अच्छे चरवाहे की भेड़े नहीं है, आप अच्छी भेड़े आप भी नहीं है। अच्छा चरवाहा वही होगा, भेड़े भी तो उसका साथ दे, वरना भेड़िए तो अभी निकल जाए, आपको मिलने मिलने, आपने इस्तेमाल ही करना लोगों ने। लेकिन मैंने एक चीज फादर अपने पास्टर शमौन बिशप ये शौको साहब में देखी, कि ये मजहबी कामों के अलावा अपनी कौम का काम प्रैक्टिकल भी करना चाहते हैं। फिर ये तहरीक बेदारी का हिस्सा बने। डॉक्टर आदल गौरी साहब का प्रैक्टिकल आपको शौका साहब बता ही देंगे। हमें कुछ आपके लिए करना है, अगर आपने हमें कोई जरूरत दी, करेज दी, नॉलेज दिया, प्रोफेशनल एजुकेशन दी। मुस्लिम कम्युनिटी में अकेला काम करता हूँ, डॉक्टर आदल साहब मुस्लिम कम्युनिटी में अकेले काम करते हैं। हमने कभी शर्माए, वी आर क्रिश्चियन, लो कॉन्फिडेंस चेहरे पे कभी नहीं मरा, रंग उतरा होगा, यार असी क्रिश्चियन है साड़ा ना। भाई कॉन्फिडेंस इतमाद पैदा करें अपने अंदर, सबसे जरूरी है इतमाद।
आप पहले हम लोग लेट जाते हैं, आप तो शहजादा कौम है, बादशाह कौम के शहजादे हैं, तो अपने आप को कभी कंफ्यूज ना करें। मैं बड़े तुरमखान क्रिश्चियन कम्युनिटी के देखता हूँ, वो बाहर जाके बात ही नहीं कर सकते, तो कम से कम बात तो करें, हमने कब कहा लड़े। तो अपने ब्लड में, अपने माइंड में कॉन्फिडेंस इतमाद जरूर रखें कि मैंने बात जरूर करनी, आग नहीं लगानी। बहुत शुक्रिया आप लोग। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।